हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ज्योतिषी सियार की करामात। एक बार भासुरक सिंह अपने राज दरबार में बैठा था। सभा जुड़ी हुई थी। बानर, हाथी, चीता आदि सभी सभासद अपने अपने आसनों पर बैठे थे। तभी द्वारपाल ने प्रवेश किया और कहा, महाराज, दूर देश से कोई जानवर आपके दर्शन करने आया है। सिंह ने उसे अंदर बुलाने की आज्ञा दे दी। द्वारपाल रीछ उसे लेकर अंदर आया। आगंतुक एक सियार था। एक गेरुए रंग के वस्त्र पहने था। उसके माथे पर लंबा सा तिलक लगा हुआ था। गले में बड़े बड़े काले दानों की माला पड़ी हुई थी। वेशभूषा से वह पंडित लग रहा था। कहिए, आपका आगमन कहां से हुआ है? आपका शुभ नाम क्या है? आप क्या कार्य करते हैं? भासुरक ने उसके वेश से प्रभावित होते हुए और आसन देते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम कप्पू कपिल है। यहां से 7 जंगल पार से अस्थि बहुल नाम के जंगल से मैं आया हूँ। हमारे वन में बड़ा अकाल पड़ गया है। मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, इसलिए जीविका की खोज में यहाँ आया हूँ। पेशे से मैं ज्योतिषी हूँ। अस्थि बहुल वन के राजा हमेशा मेरे कहने से कार्य किया करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता भी मिलती है। भासुरक कुप्पू की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, पंडित जी, मेरा हाथ देखकर भी कुछ बताइए। असल में भासुरक बड़ा आलसी था। वह पड़ा पड़ा खाता रहता था। वह सोचता था कि परिश्रम करने से क्या लाभ, भाग्य में जो होगा वह मिलेगा। कपिल से यह जानना चाहता था कि उसको जीवन में धन और सुख कैसे और कब मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। कुप्पू तो पहले से ही भासुरक के विषय में जानता था। उसने भासुरक का हाथ अपने हाथ में लिया, नाक पर चश्मा चढ़ाया और ध्यान से देखने का ढोंग रचने लगा। 2-4 मिनट तक वह मुंह से धीरे धीरे कुछ बुदबुदाता रहा और सिर हिलाता रहा। अब सिंह से न रहा गया। वह बोला, जोर से स्पष्ट बताइए। राजन, आप तो बड़े ही प्रजावत्सल, न्यायप्रिय हैं, परोपकारी हैं, दूसरों के लिए सर्वस्व त्यागने वाले हैं। कुप्पू ने सिंह की प्रशंसा के पुल बांधने प्रारंभ कर दिए। सिंह अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूलकर कुप्पा होने लगा। अपनी मूंछ को जोर जोर से हिलाकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। कुप्पू ने मंत्री, सेनापति आदि के विषय में भी पहले से ही पता कर लिया था। राजा का भी हाथ देखकर उसने सभी के विषय में सच सच बात बता दी। अब तो वे सभी मंत्रमुग्ध से देखते ही रहे। सभी उसकी योग्यता की बड़ी प्रशंसा करने लगे। सारा दरबार वाह वाह कर उठा। बताते बताते कुप्पू अचानक रुक गया। भासुरक ने सोचा, ना जाने क्या बात हुई। उसने कहा, बताइए, आप बताते जाइए। छोड़िए राजा जी, हकलाते हुए कुप्पू कपिल ने कहा और राजा का हाथ छोड़ दिया। अपना चश्मा भी उतार कर थैले में रख लिया। सिंह घबरा उठा। उसे लगा कि न जाने क्या बात हो गई है। वह जल्दी जल्दी बोला, क्या बात है आखिर, हमें भी तो कुछ बताइए। बात कुछ ऐसी ही है, आपको विश्वास ना होगा। आप मुझ पर व्यर्थ ही कुपित होंगे। भगवान ना करे कि ऐसा हो। कुप्पू बड़ा गंभीर और उदास होते हुए बोला, अरे जो कुछ भी है उसे निसंकोच होकर कहिए। भासुरक घबराया सा बोला, क्या बताऊं राजन, अरे यह बात भी मुझे अपने मुंह से ही बतानी थी। बात यह है, कुप्पू हकलाते हुए कहने लगा, आपके राज्य पर घोर विपत्ति आने वाली है। यदि आपके राज्य में 2-4 दिन में आसमान में धनुष दिखाई देगा तो सभी बर्बाद हो जाएंगे, घोर तबाही आएगी। अरे मेरे भाग्य में यह देखना भी बदा था। ऐसा कहकर कुप्पू सियार झूठे आंसू बहाने लगा। यह सब सुनकर तो भासुरक बड़ा ही घबरा उठा। कांपती आवाज में वह बोला, इससे बचने का कोई उपाय बताइए महाराज। उपाय तो एक ही है। अपने माथे पर हाथ रखता हुआ सोचने की मुद्रा में कुप्पू बोला, वह यह है कि जैसे ही धनुष दिखाई दे तो आप जंगल के सभी जानवरों को लेकर यहां से निकल जाएं। यहां से उत्तर दिशा में आप चलते जाएं। 10 मील चलने के बाद जो भी जंगल मिले उसी में बस जाएं। वहां आपकी बहुत अधिक उन्नति होगी।
इस राज्य से भी अधिक उन्नति होगी, इस राज्य से भी अधिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। सभी के सभी जानवर कुप्पू की बातें सुनकर भयभीत हो रहे थे, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। अच्छा अब मैं चलता हूं, ऐसा कहकर राजन अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा। कुप्पू ने अपना झोला उठाया और बोला, आपका पथ मंगलमय हो, आगे बढ़ गया। भासुरक ने आगे बढ़कर अपने गले से कीमती हार उतारा और पारिश्रमिक के रूप में कुप्पू के गले में डाल दिया। हरिओम हरिओम कहता हुआ कुप्पू ज्योतिषी वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, पर तब तक घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई थी, अतएव भासुरक ने उससे राजभवन में अतिथि बनने का निवेदन किया। कुप्पू को और क्या चाहिए था, प्रसन्नतापूर्वक इसके लिए वह तैयार हो गया। उसका वहां खूब स्वागत हुआ, खा पीकर वह गहरी नींद में सो गया। सहयोग की बात है, कुप्पू सियार जब शाम को सोकर उठा तो आसमान पर धनुष छाया हुआ था। वास्तव में हुआ यह था कि वर्षा तो दोपहर में ही बंद हो गई थी, फिर हल्की सी धूप निकल आई थी और आकाश में इंद्रधनुष छा गया था, पर बेचारे जंगल के भोले भाले जानवर ने कभी आसमान की ओर गर्दन उठाकर इंद्रधनुष देखा ही ना था। इतने में राजा भासुरक दौड़ा दौड़ा आया, उसने तुरंत ही वहां से भागने की सोच ली थी। भासुरक ने कपिल के चरण स्पर्श किए और अपनी सारी प्रजा को लेकर उस जंगल से विदा हो गया। कपिल कुछ ही देर तक खड़ा खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा, जब केवल धूल ही उड़ती दिखाई देने लगी तो वह खूब अट्टहास करके हंसा। खूब बेवकूफ बनाया मूर्ख, जीवन हाथ की रेखाओं से नहीं कर्म से बनता है, मन ही मन कहने लगा। फिर सोचने लगा कि जो पुरुषार्थ में नहीं भाग्यवाद में विश्वास रखते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ते हैं, उनका यही नतीजा होता है। मैंने आज खूब उल्लू सीधा किया, ऐसा कहकर सियार जोर जोर से ताली बजाकर नाच उठा। फिर वह तुरंत दौड़ कर गया और रात में ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर उस जंगल में आ गया। सभी जानवरों के घर पूरे सामान से भरे पड़े थे, वह सियार वर्षों तक वहां आराम से रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना कोई जानकारी के किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी की भी वेशभूषा को देखकर यह नहीं अनुमान लगाना चाहिए कि वो बहुत पहुंचा हुआ संत है, ज्योतिषी है। हमेशा देख परख के ही काम करना चाहिए। ओके बाय।